Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is First World War. If you have not seen the other parts, please go and watch it. Now we will start with peace treaties. In 1919-20, the victorious Allied forces, predominantly Britain, France, America and Italy, signed peace treaties with the defeated nations. These treaties included the Treaty of Versailles with Germany, Treaty of Saint-Germain-in-Laye with Austria, Treaty of Trianon with Hungary, Treaty of Sèvres with Turkey and Treaty of Neuilly-sur-Seine with Bulgaria. The most important of this was the Treaty of Versailles with Germany. ठीक है, देखिए जब वॉर एंड होने वाला था, ठीक है, वॉर एंड हुआ उसके बाद में बहुत सारी पीस ट्रीटीज जो थी वो साइन की गई 1919 और 20 में. जो फोर्स थे, जो या बोला जा सकता है जो कि जो जीते थे, ठीक है, जो नेशंस जो जीते थे वो आपका था ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, ये सारे जो नेशंस थे वो जीत गए थे. और जो डिफीटेड नेशंस थे, जैसे कि आपका जर्मनी हो गया, हंगरी था, ऑस्ट्रिया था, ये सारे नेशंस के साथ में पीस ट्रीटीज साइन की गई. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीटीज के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीस जर्मनी के साथ में, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन एंड लाइन ऑस्ट्रिया के साथ में, ट्रीटी ऑफ ट्रायनन हंगरी के साथ में, ट्रीटी ऑफ सीवर्स विथ टर्की, ठीक है, टर्की के साथ पे ट्रीटी ऑफ, ये सारे जो ट्रीटीज थी वो साइन की गई. इन सबसे इम्पॉर्टेंट, इन सब में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है वो आपका ट्रीटी ऑफ वर्सलीस है, जो कि जर्मनी के साथ में साइन की गई थी. डिस्कस ऑन अ न्यू पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर वी हैड बीन गोइंग ऑन ड्यूरिंग द वॉर. द फर्स्ट स्टेप डिक्लेरेशन ऑन पीस वॉज टेकन नवम्बर 1917 बाय द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ रशिया. It unconditionally declared that it was withdrawing from the war and appealed to all the war-torn nations to take immediate steps to broker a just and democratic peace. ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है. जो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया, ठीक है, पीस के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ पीस के लिए जो सबसे पहला स्टेप लिया गया था वो आपका नवंबर 1917 में लिया गया था किसी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, रशिया की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में. उसने ये कहा था कि वो अपने आप को क्या कर रही है, विड्रॉ कर रही है वॉर से, और सभी से अपील की गई थी कि वो तुरंत ही इमीडिएट स्टेप्स ले पीस के लिए. द रशियन डिक्लेरेशन सेड दैट नो कंट्री और नेशन इन यूरोप और द कॉलोनीज वुड बी फोर्स्ड टू बी द पार्ट ऑफ अनदर कंट्री विदाउट इट्स कंसेंट. No country would be burdened with the cost of war, reparations and governments should sign only publicly declared treaties between themselves with the full consent of their democratically elected assemblies in place of secret treaties. देखिए यहाँ पर जो रशियन थे उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर, जो रशियंस थे उन्होंने उन्होंने डिक्लेरेशन किया था कि कोई भी कंट्री, ठीक है, कोई भी कंट्री या फिर नेशन जो है उनको फोर्स ना किया जाए कि वो पार्ट रहे वॉर का, कोई भी कंट्री को या फिर किसी भी कंट्री को वॉर का जो कॉस्ट है उसको, उसके ऊपर उनको मतलब जो वॉर का जो यहाँ पर जो कॉस्ट लगा, जितने भी उनके रिसोर्सेस यूज हुए उनको यहाँ पर किसी एक नेशन के ऊपर नहीं डालना है. ठीक है, ये यहाँ पर वो कह रहे थे. और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा था कि सभी जो गवर्नमेंट्स, मतलब मीन जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिकली डिक्लेयर ट्रीटीज ही साइन करें अपने आप में, और पूरी अपने जो उस कंट्री की जो असेंबलीज हैं उनके साथ में डेमोक्रेटिकली सभी के, मतलब मीन्स सभी सभी के ओपिनियन के साथ में ट्रीटीज को साइन किया जाए, ना कि सीक्रेट ट्रीटीज को. This ideas did not find much favor with European governments, but were welcomed by war-weary soldiers and workers. They were widely discussed by the people, and demonstrations began to be held across Europe in their support. Seeing the popular wave in favor of universal peace, the American president
वुड्रो विल्सन अनाउंस्ड इट्स 14 पॉइंट्स इन जनवरी 1918, आउटलाइनिंग द प्रिंसिपल्स फॉर वर्ल्ड पीस इन नेगोशिएटिंग पीस ट्रीटीज टू एंड द वॉर. द इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन डिग्री कैन बी सीन इन द अनाउंसमेंट. ठीक है, अब देखिए, जब लोगों ने ये देखा, जो रशियन रशियन जो लोगों ने ये सब जो चीज़ें प्रपोज की थी, ठीक है, उसको देखते हुए जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स थी उन्होंने तो वो चीज़ को वेलकम नहीं किया था, लेकिन जो वहाँ के जो वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे और लोगों में, ठीक है, लोगों में ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होने लगी थी और लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे. तो ये चीज़ को देखते हुए उस वक्त के पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने अनाउंस किया 14 पॉइंट्स जनवरी 1918 में, ठीक है, जिसमें कि सारे प्रिंसिपल्स, मीन्स उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए गए वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए प्रिंसिपल बताए गए और पीस ट्रीटीज को नेगोशिएट करने के लिए, ताकि वॉर क्या हो सके, एंड हो सके. विल्सन टू अपोज द सीक्रेट पैक्ट्स सिग्निफिकेंटली ही ऑल्सो असर्टेड दैट ऑल द नेशनलिस्ट वेयर टू गेट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड ही वॉज इन फेवर ऑफ स्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन ऑल द वॉर टॉर्न कंट्रीज. विल्सन ऑल्सो एडवोकेटेड फ्री एंड अनहिंडर्ड ट्रेड बिटवीन ऑल कंट्रीज, ओपनिंग द सीज फॉर ऑल कंट्रीज टू अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड सी ट्रैफिक. ही ऑल्सो अर्ज इन फेवर ऑफ डिसआर्मामेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन दैट वुड एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज एंड एनकरेज म्यूचुअल कॉपरेशन. ठीक है, विल्सन भी जो थे वो सीक्रेट ट्रीटीज को, सीक्रेट पैक्ट्स को क्या करते थे, अपोज कर रहे थे सिग्निफिकेंटली. मीन्स वो भी ये चाहते थे कि जो नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, जो नेशनलिस्ट हैं, सारे नेशनलिस्ट जो हैं उनको वो सेल्फ डिटरमाइन हो और वो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने में उनका भी क्या रहे, यहाँ पर हाथ रहे. विल्सन यहाँ पर विल्सन जो है वो यहाँ पर और बता रहे हैं आगे, एडवोकेटेड फ्री एंड अनहिंडर्ड ट्रेड. ठीक है, वो ये भी चाहते थे कि बिना किसी रोक के ट्रेड हो, ठीक है, बिना किसी भी रोक के क्या हो, ट्रेड हो और फ्री हो और अनहिंडर्ड ट्रेड हो एक दूसरे कंट्रीज, मीन आपस में क्या हो, ट्रेड हो, अच्छी तरीके से ट्रेड हो. तो इसीलिए सारी कंट्रीज के लिए जो सी रूट्स हैं उनको खोल दिया जाए. और यहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया था कि सभी जो है वो डिसआर्मामेंट, सभी सारी कंट्रीज जो है वो डिसआर्मामेंट के सब फेवर पे रहे और एक लीग ऑफ नेशंस जो है वो एक फॉर्म होना चाहिए, लीग ऑफ नेशंस फॉर्म होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी दोबारा जब किसी भी कंट्रीज के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट होता है तो वो म्यूचुअल कॉपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करे, मतलब लीग ऑफ नेशंस जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, उनके लिए पीस का काम कर, पीस मींस यहाँ पर उनको पीस के साथ में रखने का काम करेगा और वहाँ पर एक दूसरे के मींस कॉपरेट करने की कोशिश की जाएगी और वॉर फिर से ना होने दिया जाए. विल्सन 14 पॉइंट स्टिपुलेटेड दैट जर्मनी शुड रिटर्न ऑल द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड सिंस 1870 एंड पोलैंड वुड बिकम अ फ्री नेशन. ऑन रशिया ही वेलकम्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टू रिप्लेस द टायरनी ऑफ जार एंड रिस्पेक्टेड द फ्रीडम ऑफ द रशियन पीपल टू चूज देयर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ही डिड नॉट होल्ड एनी पर्टिकुलर नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ वॉर, सो ही फेल्ट दैट नो डिमांड्स शुड बी मेड ऑन एनी नेशन टू पे वॉर रिपरेशंस. द न्यू जर्मन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड विल्सन्स प्रिंसिपल एंड साइंड द आर्मिस्टिक आर्मिस्टिस. ठीक है, देखिए, जो विल्सन्स के जो 14 पॉइंट्स थे उसमें ये भी बोला गया था कि जर्मनी को अपनी जितनी भी टेरिटरीज है, जर्मनी ने जो भी टेरिटरीज जो है वो एनेक्स की थी, जो भी टेरिटरीज कैप्चर की थी 1870 से, उन सबको फ्री कर देना चाहिए और साथ में पोलैंड को एक फ्री नेशन बना देना चाहिए. अब जो रशिया था उन्होंने भी ये चीज़ को क्या किया था, और यहाँ पर ये भी बोला गया था कि रशिया जो है वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश होनी चाहिए और लोगों की फ्रीडम को रेस्पेक्ट करना चाहिए लोगों की फ्रीडम को रेस्पेक्ट करना चाहिए और लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से वो चीज़ वहाँ पर उनको करनी चाहिए. उन्होंने जो विल्सन थे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि जो वॉर वॉर जो भी हुआ है
ठीक है, जो भी वॉर हुआ है तो उसके उसमें जितने भी पैसे लगे हैं वो किसी एक कंट्री के ऊपर डिमांड किए जाए, उनसे लिए जाए। तो इसके बाद में जो जर्मन गवर्नमेंट थी वो भी विल्सन के 14 प्रिंसिपल्स को काफ़ी एक्सेप्ट किया, और फिर साथ में उन्होंने आर्मिस्टाइस को यहाँ पर साइन किया। ईच विक्टोरियस कंट्री हैड इट्स ओन विजन एंड डिप्लोमेटिक नीड्स। फ्रांस विच सफर्ड द मोस्ट डैमेज इन द कन्फ्लिक्ट हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड वॉन्टेड जर्मन टू पे वॉर रिपरेशंस, थस इफेक्टिवली क्रिपलिंग जर्मनीज इकोनॉमी सो दैट इट कुड नेवर रिकवर और टू वेज अनदर वॉर। इट ऑल्सो वॉन्टेड जर्मनी टू रिटर्न द फ्रेंच टेरिटरी इट हैड सीज्ड इन 1871। दिस रीजन वॉज रिच इन कोल एंड आयरन ओर। बाई गेटिंग बैक द टेरिटरी फ्रांस सो टू पुट अ ब्रेक ऑन जर्मनीज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट वॉन्टेड टू डैमेज द जर्मन इकोनॉमी टू द एक्सटेंट दैट द कंट्री वुड नेवर अगेन थिंक ऑफ अटैकिंग अनदर कंट्री। ठीक है, जो सारी जो कंट्रीज थी, ठीक है, जैसे जो भी कंट्रीज जीत गई थी या फिर अलग अलग जो कंट्रीज थी उनके सबके अपने अपने क्या थे, विजन थे। तो यहाँ पर जो फ्रांस था जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था वॉर की वजह से, वो जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल मानता था वॉर के लिए, और वो चाहता था कि जर्मन जो हैं वो वॉर के लिए पे करेंगे, जर्मन जो है वॉर के लिए उनको पे करना चाहिए। और साथ में फ्रांस जो है वो ये भी चाहता था कि जर्मनी ने जितनी भी फ्रेंच टेरिटरी जो है वो कैप्चर की है वो उनको वापस से दे दी जाए। जर्मनी ने टेरिटरी जो कैप्चर की थी वो आपका 1871 में कैप्चर की थी, और वो जो टेरिटरी उन्होंने कैप्चर की है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल और आयरन ओर की मात्रा थी। तो अगर वो उनको मिल जाता है, मीन्स फ्रांस अगर वो वापस से अपनी फ्रेंच टेरिटरी को वापस ले लेता है, तो वो उसमें वो ये चाहता था कि वो वापस अपने इंडस्ट्री मीन्स अपने अपने कंट्री को क्या कर सके, फिर से वॉर की जो क्राइसिस है उसे नॉर्मल लाने की कोशिश कर सके। अब और यहाँ पर साथ में वो ये भी चाहता था कि फ्रांस अगर जो उनकी जो टेरिटरी है वो उनको वापस मिल जाएगी तो जर्मनी का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और जर्मनी की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, ताकि और सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाना चाहिए ताकि वो दोबारा किसी भी कंट्री पर अटैक ना कर सके, अटैक करने के बारे में ना ना सोच सके, और अटैक कर भी ना पाए, अगर वो करना भी चाहे तो उसके पास रिसोर्स ना हो ताकि वो अटैक ही ना कर पाए। ब्रिटेन टू वांटेड टू वीकन जर्मनी फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस बट नॉट फॉर इकोनॉमिक रीजंस, सिंस अ स्ट्रॉन्ग जर्मनी इकोनॉमी वुड बेनिफिट्स ब्रिटिश ट्रेड, बट ब्रिटेन स्ट्रॉन्गली अपोज्ड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलोनियल एंड यूरोपियन नेशंस एंड देयर फ्रीडम टू चूज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इट ऑल्सो अपोज्ड द ओपन सी पॉलिसीज दैट अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड सी ट्रैफिक टू ऑल कंट्रीज, दिस पॉलिसीज कन्फ्लिक्टेड विद इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्रिटेन भी ये चाहता था कि जर्मनी को वो स्ट्रेटेजिक रीजन्स, उसके जो स्ट्रेटेजिक रीजन्स है उसमें वो क्या कर सके, वीक कर सके, लेकिन वो उसने इकोनॉमिक रीजन्स के लिए ऐसा नहीं चाहता था। और साथ में आपका, ठीक है, क्योंकि जर्मन जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश ट्रेड को क्या कर रही थी, बेनिफिट कर रही थी, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन जो ब्रिटेन थे वो स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे थे वहाँ के जो कॉलोनियल और यूरोपियन नेशंस हैं और उनके फ्रीडम, उनके जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की जो यहाँ पर बात हुई थी विल्सन 14 पॉइंट पे, वो यहाँ पर उनके अपोज में थे। और साथ में ही वो जो ओपन सी पॉलिसी है उसके भी अपोज में थे ब्रिटेन के लोग, मींस ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो ये जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, सभी के अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग हो रही थी। फ्रांस ब्रिटेन एंड जर्मनी होप्ड दैट द रशियन रेवोल्यूशन वुड फेल बिकॉज दे फियर्ड दैट इट वुड इन्फ्लुएंस द पुअर वर्कर्स एंड सोल्जर्स इन देयर कंट्रीज। दे वॉन्टेड टू बिल्ड अ बैरियर ऑफ एंटी रशियन स्टेट्स बिटवीन देयर कंट्रीज एंड रशिया, दैट इज वाई दे वेयर नॉट कीन टू इंक्लूड रशिया इन द पीस टॉक्स। देयर होप वॉज दैट ऑल कंट्रीज वुड सपोर्ट द फोर्सेज इन रशिया दैट वेयर अपोजिंग द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। अब ये सारी जो कंट्रीज थी, आपका फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जो थे, वो चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हो वो फेल हो जाए,
ताकि जो जो वो डर रहे हैं, मींस दे फियर दैट द वुड इन्फ्लुएंस द पुअर वर्कर एंड सोल्जर्स इन देयर कंट्री. ठीक है, वो ये डर रहे थे कि जो वहाँ की जो पुअर वर्कर्स और सोल्जर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, उस रशियन रेवोल्यूशन का अफेक्ट पड़ेगा. तो वो चाहते थे कि एक एक बैरियर बन जाए, एक एंटी रशियन स्टेट्स सभी कोई बन जाए बाकी सारी कंट्रीज और रशिया के बीच में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो रशिया के बारे में जो है पीस टॉक्स जो थे वो इंक्लूड यहाँ पर किए जा रहे थे. मींस जो पीस टॉक्स थे उसमें रशिया को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जा रहा था, और वो ये उनका होप था कि सारी कंट्रीज जो हैं वो रशिया के सपोर्ट पे, मींस उनके अगेंस्ट पे रहे, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे रहे. आपका नेक्स्ट ने आपका आज के लिए आपका इतना ही. नेक्स्ट क्लास पे हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्सलीज देखेंगे. थैंक यू.